जल्दी अंदर आना, आओ अंदर। नहीं सुगना माई, मैं अंदर नहीं आ सकता। जब तक मेरे मालिक मेरे अन्नदाता मुझे हुक्म नहीं देंगे, मैं कैसे अंदर आ सकता हूं? भवानी, कैसी बात करते? अपने घर में आने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती है। आओ अंदर आओ। उस भूत बाधा को तोड़कर उस घर में दाखिल नहीं हुआ जा सकता, लेकिन अगर उस घर का मालिक खुद किसी को अंदर आने को कहे तो भूत बाधा उसके रास्ते में नहीं आएगी और उस घर में दाखिल हुआ जा सकता है। राजा साहब, नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो भवानी? ऐसा नहीं करते। कहां चले गए थे? तो हमें तो लगा था कि तुम्हारी भी मौत हो चुकी है। उस दिन हमसे बिछड़ जाने के बाद बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। आप सच कह रहे हैं राजा साहब, मौत बस मेरे सामने ही थी और शायद मेरी किस्मत में फिर से आपकी सेवा करने का मौका मिला। वो लिखा था मेरी किस्मत में और मैं जिंदा बच गया और वहां से भाग निकला राजा साहब। मैं पानी लेके आती हूं। भवानी सिंह, इतने सालों तक कहां थे, क्या कर रहे थे तुम? रानी साहब, मैं आप लोगों की तलाश में दर दर भटक रहा था। ना आप लोग मिले, ना आप लोगों की कोई खबर मिली। फिर वही मुझे कुछ सन्यासी मिले। उन्हीं सन्यासियों में से एक ने मुझे अपना शिष्य बना लिया। अच्छा, मेरे लिए अपनी वफादारी जताने का एक छोटा सा इनाम। आज से अपनी पूरी जिंदगी तुम मेरे गुलाम रहोगे, मगर कोई आम गुलाम नहीं, मेरे सबसे खास गुलाम, माय राइट हैंड मैन। मालकिन, और फिर मैंने अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, विद्याएं सीखी और अनुष्ठान किया। रानी सा, हमारी बहुरानी और छोटे राजकुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बताइए ना राजा साहब, वो यही है ना? रानी सा, बताइए ना। भवानी सिंह, मालिक को मारने के बाद निक्की और पीयूष भी भगवान को प्यारे हो गए। नहीं राजा साहब, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं रानी साहब, ये झूठ है। इससे बातें कर रहे हैं आप लोग? ये पीयूष और निक्की की आखिरी निशानी है। पिन्नी, आपकी पोती। हाय दादू, ये कौन? ये बेटा। पिन्नी बेटा, ये तुम्हारे भवानी काका हैं। जब तेरे पापा छोटे थे ना, तो मेरे साथ साथ भवानी काका भी उनकी देखभाल करते थे। What?
आप जानते थे मेरे पॉप्सी को? आप कहाँ थे? आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए? आपको पता मुझे आपसे बहुत सारी बातें पूछनी है। पॉप्सी कैसे थे, क्या करते थे, उनकी पसंद नापसंद और उनके कितने दोस्त थे और वो कहाँ हैं अभी और हमसे मिलने क्यों नहीं आते? और पिन्नी, काका को पानी तो पी लेने दो। अरे पानी तो यहीं पे, कौन सा भागा जा रहा है, पानी पी लेंगे। आप लोगों के बाद ये पहले इंसान है जो मेरे पॉप्सी को जानते हैं। मुझे बताइए, आप बहुत प्यारी हो हमारी छोटी बहुरानी की तरह, मतलब अपनी माँ की तरह। सच्ची? ओ गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच काका। वाओ भाभी, दिस इज द बेस्ट न्यूज आई एवर गॉट। फिर भाई की शादी होगी, इस घर में नई बहू आएगी और मुझे एक दूसरी भाभी मिल जाएगी। I'm so excited. हमने सबका मुंह मीठा करवा दिया भाभी साहब, बस सिर्फ आप लोग बाकी हैं। I know कि ये सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन for me, मेरे लिए ये एक सपने के पूरे होने जैसा है, मेरे वीर की शादी। You know भाभी, आपके हर सपने को पूरा करना मेरा इकलौता सपना है। क्यों ना विश की काश दादी भी हमें बता पाती कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं। ये बहुत खुश हैं वीर, दादी हैं तुम्हारी, ये हमसे भी कहीं 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 ज्यादा खुश है ना माँ जी? मूर्ति जी, भाभी साहब, बधाई हो बढ़िया, मैं वीर की शादी करवाने जा रही हूँ, वो भी अपनी पसंद की लड़की से। वो मीठा नहीं करेगी? कितना स्ट्रेंज है, हर कोई मेरे मॉम्सी और पॉप्सी के बारे में ठीक उतना ही जानता है जितना मुझे दादू और डैडी ने बताया है। क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे उनकी पूरी कहानी बता सके? अच्छा हुआ राजा साहब, आपने समय रहते बता दिया। अगर बेटी रानी को सच्चाई बताता तो अब क्या गुजरती थी? भवानी सिंह, तुम्हारे लौट आने के बाद हालातों से लड़ने की ताकत दुगनी हो गई है हमारी, वरना हम तो अकेले ही रह गए थे। जी राजा साहब। मालकिन, मैं घर पर घुस चुका हूँ और मुझ पर किसी को शक भी नहीं हुआ, वो मुझे पहले वाला भवानी सिंह ही समझते हैं। तो फिर देर किस बात की है भवानी सिंह? वो करो जो तुम्हें वहां करने के लिए भेजा है। वीर से उनकी पोती की शादी की बात चलाओ, रिश्ता तय करने मैं खुद वहां जाऊंगी। मालकिन, मैं वही करने जा रहा था, लेकिन लेकिन क्या मालकिन? वो लड़की अकेली नहीं है। अकेली नहीं है मतलब? उसके साथ कोई है, मतलब कोई ऐसी शक्ति जो उसकी रक्षा कर रही है।